Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Imad Electronic. Assalamu alaikum dosto, is video mein hum apni new workshop dikhate hain aur mere jo audience hai unka bhi intezar khatam ho gaya kyunki kafi dinon se video nahi padi thi, intezar kar rahe the, to uske liye sorry bolta hu. और वजह ये थी कि पहले तो ऑपरेशन हुआ था, मैंने किसी वीडियो में बताया भी था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं पड़ी. और दूसरी वजह ये है कि हमने ये न्यू अपनी जो वर्कशॉप है ये सेट करी है दूसरी जगह, जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं पड़ी. तो थोड़ी सी देख लेते हैं एक बार, हमारा बाहर की जो लोकेशन है वो कुछ ये है. ये बोर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, और बाकी के जितने भी इसमें सामान लिखे हुए हैं, हमारे यहाँ मोटर सिंगल फेज थ्री फेज, जनरेटर सिंगल फेज थ्री फेज, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर, कटर मशीन, ट्रैक्टर का सेल्फ, वेंटिलेटर, कूलर पंखा आदि की मरम्मत तसल्ली बख्श की जाती है. ये हो रहा है दोस्तों, अब ये हमारा एक चार्ट होता है SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज के लिए, उसका जो नंबर निकालते हैं वो इस चार्ट से निकालते हैं. और ये मैंने ITI के एक बुक्स में से उतारा है. बाकी ये हमारी टूल बॉक्स है, ये देख सकते हैं सारे टूल है हमारे, फर्मी, कूलर, वानियर और ये सारी मोटी बूटी हैं. बाकी इस एरिया में हमारा जो ये एरिया है ये कॉइल का है, इन्वर्टर की कॉइल, ये एरिया इन्वर्टर का है, दूसरा ये ग्लेंडर और कटर का है, ये सारा सामान इधर. बाकी ये मोटर पार्ट का एरिया है, ये बेयरिंग है, ये तार, और ये ट्रैक्टर का सेल्फ का सामान है. बाकी नीचे जो है ये अल्टरनेटर का पार्ट्स है, ये और बाकी बल्ब है इधर साइड में. ये जनरेटर का है, जनरेटर का पार्ट्स है सारा, ABR, रेजिस्टेंस, ब्रिज रेक्टिफायर. और इस एरिया में हमारा जो हमने सेट किया है वो वॉशिंग मशीन का है, पूरा ये एरिया ऊपर से नीचे तक वॉशिंग मशीन का है. गियर बॉक्स, ढक्कन, बाकी ये सारा सामान है. ये जो एरिया हमारा ये मिक्सर ग्राइंडर का है, ये मोटर है, बाकी ये जो है सॉकेट है, और ये कपलिंग वगैरह है कपलर. और ये फ्रीज का एरिया है, फ्रीज का भी सामान मेरा ज़्यादा रखा नहीं है, पुरानी वाली शॉप से ला करके. और ये कूलर के स्टेटर है, बाकी कूलर का सामान है ये. और ये जो है हमारा ये काटा है, इलेक्ट्रॉनिक काटा, और इसकी बहुत ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम जनरेटर या मोटर की वाइंडिंग करते हैं, तो उसका जो सेट का वज़न होता है, तार का वज़न, उसे तोड़ने के लिए काम आता है. बाकी ये इस साइड में मेरा इन्वर्टर सेट किया है, अभी जो नया है वो बनाना है, बाकी ये मैंने चालू रख रखा है. और ये जो मैंने ये नट बोल्ट लगाए हैं, ये इन्वर्टर के DC करंट के लिए हैं, बैटरी के, क्योंकि मुझे जब यहाँ इन्वर्टर रिपेयर करना होगा तब मैं उसका करंट यहाँ से लूँगा. ये 24 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये माइनस है. तो ये सब कुछ है. बाकी इस दराज में मेरी इन्वर्टर के पार्ट्स हैं छोटे छोटे. तो यही हमारी छोटी सी वर्कशॉप है अभी, अब रोज़ाना कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी वीडियो, जो अब इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे, दिन में एक दो वीडियो अपलोड करते रहेंगे. और बाकी ये दिखाने से रह गए, तो ये कार्बन है मिक्सर के और सिलाई मशीन के, बाकी के कार्बन सारी मशीनों के पीछे रखे हैं. तो दोस्तों कैसी लगी हमारी न्यू वर्कशॉप, तो उम्मीद करता हूँ ठीक ही लगी होगी. और अगर कोई किसी औजार में, किसी टूल में हमारी कमी हो तो कोई भी भाई कमेंट करके हमें बता सकते हैं. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की वीडियो दिखाएंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.